नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अपने घर पर अकेली थी। बुलंदशहर में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अपने घर में अकेली थी, तभी उसके गांव के ही एक युवक घर में घुस आया। बच्ची ने शोर मचाकर पड़ोस के लोगों घर के अंदर आए, जिनको देखा आरोपी पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल परीक्षण की करवाया गया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शनिवार देर रात जहांगीरबाद थाना क्षेत्र में की है। आरोपी बच्ची को बाहर ले जाना चाहता था। गांव के लोगों ने बताया कि बच्ची के माँ बाप गांव के बाहर सामान लेने गए थे। बच्ची का बड़ा भाई खेत देखने गया था, तभी आरोपी मौका देखकर घर के अंदर आ गया। माँ ने बताया कि आरोपी बच्ची के साथ ले जाना चाहता था। जब बच्ची नहीं मानी तो उसने बच्ची को डराया, उसके बाद उसका मुँह दबाकर घटना को अंजाम दिया। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। आरोपी युवक का नाम मोहित है, उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। मोहित गांव में ही खेती किसानी करता है। पुलिस के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट ने मुकदमा दर्ज किया है। जहांगीरबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।